नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय भीमात्मज। 19 अगस्त को बेल बॉटम रिलीज हो रही है। अब यह हिम्मत है कि हिमाकत, देखना पड़ेगा। वैसे भारत में हम लोग परिणाम के आधार पर ही तय करते हैं कि कोई गतिविधि हिम्मत हुई या हिमाकत हुई, साहस हुआ या दुस्साहस हुआ। बात आगे करने के पहले आपसे आग्रह है कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी बजा दें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे साथ रहें, मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और आगे बढ़ें। तो खुशी की लहर है। वैसे जहां जहां थिएटर खुल गए हैं, केवल दो राज्य हैं, महाराष्ट्र और केरल, जहां पूरी तरीके से थिएटर नहीं खोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोविड मरीजों की संख्या अभी तक बहुत कम नहीं हुई है। इसलिए सावधानी बरतते हुए यहाँ के थिएटर बंद ही रखे गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भी उन जिलों में थिएटर खोलने की अनुमति दे दी गई है जहाँ कोविड के मामले कम हैं। केरल अभी बंद है। इसके अलावा देश के सारे राज्यों में थिएटर जुलाई के अंत में खोल दिए गए थे। यह अलग बात है कि खोलने के अनुमति के बावजूद थिएटर चल नहीं रहे थे क्योंकि नई फिल्में नहीं थी। खास करके उत्तर भारत में हिंदी इलाकों में तो कोई नई फिल्म हिंदी की है ही नहीं, और थिएटर पुरानी फिल्मों को लगाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। अब 19 अगस्त को, पिछले दिनों जब मैंने देखा कि अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ दिल्ली गए थे और वहाँ सारे थिएटर के ओनर और मैनेजर्स उनके पास आए थे मिलने के लिए, और उन्होंने उनको बधाई दी थी, साथ ही इस बात के लिए धन्यवाद दिया था कि ऐसे मौसम में वे अपने फिल्म लेकर आ रहे हैं। यहाँ सचमुच अक्षय कुमार और उनके निर्माता वासु भगनानी और जैकी भगनानी बधाई के पात्र हैं। अब ये देखें कि ये फिल्म कैसे आती है, क्या रिस्पॉन्स रहता है दर्शकों का, दर्शक इसे थिएटर में देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सारे थिएटर मालिकों का दावा है कि हमने फुल्ली सैनिटाइज किया है। पिछले दो हफ्तों में उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की है, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग की है और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया है कि दर्शक जब आएंगे तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उनको नियमित किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई असुरक्षा ना हो और दर्शक सुरक्षित महसूस करें थिएटर में आकर के। निश्चित ही यह परीक्षा की घड़ी है और इस घड़ी में अक्षय कुमार ने जिस साहस, जिस हिम्मत का परिचय दिया है वह सराहनीय है और यह इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि 2021 में जब सिनेमाघर बंद हुए थे और फिर से खुले थे तो अक्षय कुमार और उनके निर्माता जैकी और वासु भगनानी ने यह हिम्मत की थी कि वे अपनी फिल्म बेल बॉटम लेकर के आएं। अब आप बताएं कि क्या आप बेल बॉटम देखने जा रहे हैं अगर आपके शहर में थिएटर खुला हुआ है। मुंबई में अभी दिक्कत है। हाँ, फिल्म के कारोबार पर जरूर असर पड़ेगा, जरूर ग्रहण लगेगा, क्योंकि मुंबई से बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, प्रतिशत यहाँ का बहुत ज़्यादा है। अगर मुंबई में थिएटर नहीं खुले और ये फिल्म रिलीज नहीं होगी तो एक बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन इस नुकसान का जोखिम उठाते हुए भी निर्माता और फिल्म के नायक आ रहे हैं, यह सचमुच हिम्मत की बात है और बधाई की बात है। अभी मैं इसको हिमाकत नहीं कहूँगा। मैं भी आप सब की तरह भारतीय दर्शक हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा कि इस रिलीज का परिणाम क्या होता है, दर्शकों का रवैया क्या होता है और कितने दर्शक आते हैं। पिछले दिनों मैंने बुक माई शो जाकर के देखा तो देख रहा हूँ कि थिएटर की लिस्ट बहुत ज़्यादा है जहाँ जहाँ ये फिल्में लग रही हैं, खास करके दिल्ली के बुक माई शो में। ऐसे ही दूसरे राज्यों में भी स्थिति होगी, यह मेरा अनुमान है। तो प्रतीक्षा है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।